देखता हूँ कि गणेश जी की फ़ोटो है, शंकर भगवान की फ़ोटो है, बाकी सी देखता हूँ कि इन्होंने कितनी मतलब मेहनत से बनाई, बाकी मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह बनाए कैसे बनाए। एक ऑनेस्टली ओपिनियन दे रहा हूँ, मगर अच्छा लगता है। अनुषा जी के साथ रह के मैं काफ़ी एग्जीबिशन पे आया हूँ, और पायल भी आए साथ में। वी हैव कम टू क्वाइट अ फ्यू एग्जीबिशंस, बट आई थिंक ये एग्जीबिशन डिफरेंट है, एंड ब्यूटिफुल पेंटिंग्स डिपिक्टिंग लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कृष्णा, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज न्यू टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू विद अ न्यू आर्टिस्ट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ही ब्रिलियंट काम है, ये पेंटिंग्स देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं विष्णु जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, इतना क्रिएटिव और इतना स्पिरिचुअल मीनिंग के साथ हर पेंटिंग जो बनाई है वो बहुत यूनिक है। तो वेरी इम्प्रेसिव वर्क, एंड इट्स वेरी आई मीन इट हैज़ अ स्टोरी, एवरी पेंटिंग हैज़ अ स्टोरी विच इट टेल्स। हमें ऐसे देखने से शायद पता नहीं चलता, बट इट्स ब्यूटिफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर एक पेंटिंग में जो भी कहानी है, जो भी देवता के बारे में कह रहे हैं, वो सभी मेरे फेवरेट हैं। जैसे इन्होंने शिव जी का बताया है, और फिर राधा कृष्णा की स्टोरी, और सबसे यूनिक तो मीरा लगा। इस तरह से मैंने कभी मीरा की कोई पेंटिंग नहीं देखी, बहुत ही यूनिक है, समथिंग न्यू। एवरी पेंटिंग हैज़ सम न्यू स्टोरी टू टेल, जो है इसमें इवन इट टॉक्स अबाउट सेवन चक्रास, एंड इट इज़ टोल्ड लाइक इन सच एन इनोवेटिव वे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि सेवन चक्रास को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऐसे बोल नहीं सकते, मगर फिर भी हम हमारे पिताजी से हमने लेकर इंस्पिरेशन लिया है, तभी से हम लोग करीबन 81 से पेंटिंग कर रहे हैं। बीच में हमारे भाई भी गुजर गए, मगर उनका भी मुझे बहुत अच्छा सहारा मिला उस टाइम में। तो इस बार में भी मैं ये जो कर रहा हूँ, लोगों को कलर के ज़रिए अपना जो एक स्पिरिचुअल एक फ्लोटिंग फॉर्म और वो सब ये दिखाना चाहता हूँ, तो ये लोगों को पसंद आना चाहिए, इसके लिए कर रहा हूँ।